एचपी पंप पर कर्मचारियों और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। ग्राहक राजू गुर्जर के साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट। मामला मगरौनी पुलिस चौकी क्षेत्र में बने एचपी पेट्रोल पंप का, जहां पहले ट्रैक्टर में डीजल डालने से पहले पैसे लेने के एवज में पैसे मांगने पर हुए विवाद में पंप कर्मचारियों के ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राहक राजू गुर्जर की लात घूसों से जमीन पर पटक कर मारपीट की। राजू गुर्जर जैसे तैसे पुलिस चौकी पहुंचा। पुलिस के सामने आरोपियों ने फिर हाथापाई कर दी। इससे पीड़ित के शरीर पर कई जगह चोट आई। इतना ही नहीं, पीड़ित राजू गुर्जर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, चौकी के अंदर ले जाकर मेरे साथ पुलिस ने गाली गलौज की, मारपीट की। राजू की हालत गंभीर देख पुलिस ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गंभीर अवस्था देख डॉक्टर ने शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर किया। मगरौनी पुलिस ने पीड़ित राजू के खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी घटना कैद हो गई। इसमें पंप कर्मचारियों का कृत्य दिखाई दे रहा है। पीड़ित राजू गुर्जर के परिजनों ने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। क्या नाम है आपका? जी सर, राजू गुर्जर। तो राजू, ये जो मारपीट का मामला हुआ है तुम्हारे साथ, क्या है पूरा मामला बताओगे? सर, मामला ये है कि मगरौनी पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ मेरा ट्रैक्टर जाता है डीजल डलाने के लिए। सर, दिन में दो चार बार डलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। वहाँ वो लड़के दारू पिए थे पहले से, उनका कल वो हॉस्पिटल उनका वो इतवार था, तो बकरा वगैरह कुछ बंदा था, पंप में दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा, चारों तरफ क्वार्टर डले हैं सब, बहुत ज़्यादा वहाँ धुंध भैया होता है। वहाँ लोग भी राजू के झांसी के वो थे गुंडे, वो भी थे, उसके रिश्तेदार थे, सब इकट्ठे मुर्गा बना रहे थे, पंप भाई वहीं रह रहे थे। उसके बाद में मैं वहाँ पहुँचा, थोड़ा विवाद हो गया। उसके बाद में सर मेरे में जुमा झटकी कर दी, राजू ने मेरे को धक्का मारा, जुमा झटकी हुई सर। उसके बाद में पाँच सात लोग थे मेरी पिटाई कर दी, बहुत ज़्यादा मारा, मेरे कपड़े फट गए वहीं पेट्रोल पंप में, और मार मार के वहाँ से सर मैंने कही अब क्या करूँ मैं वहाँ से थाने आ गया सर, मगरौनी चौकी में। मगरौनी चौकी में आने के बाद में सर मैं बाहर बैठा था, जब तक वो पुलिस वालों को बुलवा लिया, दरवाजी भी आ गई वहाँ यादव जी और पांच सात स्टाफ आ गया। स्टाफ आने के बाद में सर वो भी बातम लोग भी आ गए वहाँ जबरदस्ती से 10-15 जने, तो मेरे को दरवाजी वहाँ से दो तीन लात मारी मेरे में, वो अंदर के लिए ले गए, अंदर के लिए दरवाजी पकड़ के ले गए, अंदर दरवाजी अंदर पकड़ के ले जा रहे थे मेरे को, तो वहाँ बातम लोगों ने भी मेरे को चांटा मारा दो तीन बार, और सर मेरे को फिर अंदर ले गए वे। मैंने कहा अंदर क्यों ले जा रहे हैं, बोले चल तेरे को मांगर चोट देखती है, मांगर चोट गुंडा बनता है। साहब हम काई के लिए गुंडा बनेंगे रे भोसरी के, बोले तुम वो बनती है साहब, ये ट्रैक्टर के हफ्ता हफ्ता मारते हैं तो इसलिए, बोले चल अंदर चल तू। वहाँ अंदर पहुँचा मैं साहब, अंदर जाने के बाद में सर मेरे को इतना मारा, चार पाँच लोगों ने इतने मारा कि बहुत ज़्यादा सर मेरे को 20 मिनट तक मेरे को यही पता नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं सर, मैं गहरो हो गया। मतलब चौकी के अंदर मारा? चौकी के अंदर पीछे जाके। किसने मारा? पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने सर अंदर कमरे में ले जाके मारा मेरे को, बहुत ज्यादा मारा था। इसके बाद क्या हुआ अभी, मतलब उसके बाद क्या अभी हॉस्पिटल से क्या हुआ? हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल में था वहाँ से वो, फिर मैं नर्वर आया, नर्वर में ज्यादा बेहोश हो गया, फिर मेरे को नर्वर लाए, नर्वर लाने के बाद में सर मैं बहुत ज्यादा वो हो गया, मेरी छाती और पेट दर्द कर रहा था। फिर उसके बाद में नर्वर से मेडिकल वगैरह करा के सर फिर मेरे को ज्यादा दर्द हुआ तो मैं शिवरी रेफर कर दिया सर। अभी यहाँ शिवपुरी आके क्या कुछ आगे किसी को आवेदन दिया है, एसपी साहब से कोई बात करिए, शिकायत करिए? जी साहब, एसपी साहब सब मिले नहीं थे, वहाँ आवेदन देके आए हम। लेकिन अभी क्या आपके तरफ से कोई एफआईआर की कार्रवाई हुई है? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई एफआईआर की कार्रवाई नहीं हुई, वो तो लोग उनकी तरफ पे चवाल कर रहे हैं।